प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा विषय है सर्वनाम। सर्वनाम, हम सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं उनसे हम परिचित हो चुके थे। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम का पहला भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते कैसे हैं। तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, वे सर्वनाम जिनसे पुरुष व स्त्री का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम जिनसे पुरुष व स्त्री का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों का वर्गीकरण किया गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम के ये भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। अब आप इन नामों को देखकर सोचते होंगे कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते क्या है। जब हम किसी से बात करते हैं तो तीन व्यक्तियों के अंतर्गत हम बात करते हैं। जब हम बात करते हैं तो उसमें 3 व्यक्ति होते हैं। सबसे पहला व्यक्ति वो होता है जो बात को कहता है, यानी कि वक्ता, बात को कहने वाला जो होता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जो बात को कहने वाला होता है, वक्ता, यानी कि बात को कहने वाला जो होता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। अब चलते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष वो होता है जो वक्ता किसी बात को कहता है और जो सुनता है, यानी कि श्रोता। वक्ता के द्वारा कही गई बात को जो सुनता है, जो श्रोता सुनता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। और वक्ता और श्रोता के द्वारा, वक्ता या वक्ता और श्रोता के द्वारा जिसके संबंध में बात की जाती है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ। वक्ता यानी कि कहने वाला, बात को कहने वाला जो वक्ता होता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। और वक्ता जिससे बात कहता है, यानी कि वक्ता श्रोता से जो बात कहता है, जिस बात को वक्ता द्वारा कही गई बात को जो सुनता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। और वक्ता और श्रोता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में जो बात की जाती है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ अंग्रेजी वर्ण और शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया है। हिंदी में अंग्रेजी शब्द और वर्ण नहीं आते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम इनकी वजह से इन सर्वनाम जो हैं उनको हम याद रख सकते हैं। तो उत्तम पुरुष में मैंने लिया है आई वी अस। तो आई मीन्स होता है, आई का मतलब होता है मैं, और मैं से मुझे भी बनता है, मेरा भी बनता है। इसके बाद हम आते हैं बी, डब्ल्यू ई बी। बी का मतलब होता है हम, हमसे हमें भी बनता है, और अस मीन्स हमारा, अस का मतलब होता है हमारा,
हमारे आदि कई अन्य शब्द भी बनते हैं। इसके बाद हम आते हैं मध्यम पुरुष पर। मध्यम पुरुष में मैंने दो शब्दों का प्रयोग किया है, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है। पहला है यू और दूसरा है योर। यू योर, यू से बनता है तू, तू से तुम भी बनता है और तुम से आप भी बनता है। योर मीन्स होता है तुम्हारा, तेरा, तुम्हारे, तुम्हें आदि शब्द बनते हैं। इसी तरीके से मैंने अन्य पुरुष में लिया है ही सी इट। ही सी इट, इनसे ये सर्वनाम बनते हैं। ही मीन्स होता है ही और सी, ये पुरुष के लिए आता है और ये स्त्रीलिंग की याद के लिए आता है। दोनों का मतलब वह से होता है, तो ही से बनता है वह, वह से वे भी बनता है। इसके बाद में हम आते हैं इट, आई टी इट। इट का अर्थ होता है यह, इट से यह भी बनता है, यह भी बनता है, ये भी बनता है, उस भी बनता है, उसका भी बनता है, उन्हें भी बनता है, इसका भी बनता है, आदि कई अन्य सर्वनाम इसमें आ सकते हैं या आदि कई अन्य शब्द भी इसमें हो सकते हैं। लेकिन सुविधा अनुसार हमने इतने ही शब्दों का प्रयोग किया है। अब मैं आपको इस उदाहरण द्वारा समझा देता हूँ। जैसे पहला उदाहरण है, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ लेकिन उसे नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ लेकिन उसे नहीं जानता हूँ। अब इस वाक्य के अंदर हमें बताना है कि कहाँ पर उत्तम पुरुष है, कहाँ पर मध्यम पुरुष है और कहाँ पर अन्य पुरुष है। तो इस वाक्य में हम देखेंगे, ये मैं आ रहा है, मैं कहाँ आ रहा है, उत्तम पुरुष में आ रहा है। तो मैं यहाँ पर उत्तम पुरुष है, तुम्हें यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, तुम्हें कहाँ पर आ रहा है, ये मध्यम पुरुष में आ रहा है, तुम्हें यहाँ पर मध्यम पुरुष में आ रहा है। तो तुम्हें जो सर्वनाम है वो कौन सा है, मध्यम पुरुष है। इसके बाद में यहाँ पर उसे आ रहा है और उसे सर्वनाम कहाँ पर आ रहा है, उसे, ये उस या हम इसे उसे भी कर सकते हैं, उस या उसे, दोनों का एक ही अर्थ निकलता है। तो उसे यहाँ पर, ये उसे आ रहा है और उसे कहाँ पर आ रहा है, अन्य पुरुष में आ रहा है। इसलिए हम ये उसे जो सर्वनाम है वो अन्य पुरुष सर्वनाम है। इसी तरीके से आप इन्हें जो भी पुरुष वाचक सर्वनाम से संबंधित मैंने आपको पढ़ाया है, इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें और इन्हें याद रखें। इस प्रकार का विवरण आपको किसी अन्य पुस्तक में नहीं मिलेगा, इसलिए आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, आप इन्हें याद करें। ये सभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सभी प्रमाणित है, कोई ये विवादित नहीं है। आप इन्हें हमेशा हमेशा के लिए याद रखें और अगर यदि आपकी परीक्षाओं में पुरुष वाचक सर्वनाम से संबंधित प्रश्न यदि पूछे जाते हैं तो बड़ी सरलता और सुगमता के साथ आप उन प्रश्नों को हल कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।